नमस्कार, छत्तीसगढ़ के नंबर वन बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की गरियाबंद की खबर के साथ, जहां जवानों ने नक्सलियों का साजिश जो है वो नाकाम साबित कर दिया है। जवानों को सर्चिंग के दौरान 3 IED मिले और गरीबा के जंगल में इसे प्लांट किया गया था। जवानों ने तीनों IED को नष्ट कर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस को थाना शोभा से लगे सीमा क्षेत्र में नक्सलियों की उपस्थिति की खबर मिली थी। कोदोवाली, इचरादी, गरीबा, सहबीन, कछार जंगल क्षेत्र में पुलिस पार्टी द्वारा सर्चिंग की जा रही थी, तभी ये IED बरामद की गई। और आप ये आवाज या तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जो नक्सली हैं वो जवानों को कितना नुकसान पहुंचाना चाहते थे, लेकिन उनके मंसूबों को कामयाब होने जवानों ने नहीं दिया और IED को डिफ्यूज कर दिया गया। ये तमाम वो सामग्री है जो मौके से बरामद हुए हैं। कैसे जो जवान है वो IED प्लांट करते थे, किस तरीके से उन्होंने जो पूरी साजिश है जवानों को नुकसान पहुंचाने की वो रची थी, लेकिन वो इस साजिश में नाकाम साबित हुए तब जब जवानों की नजर इस पर पड़ी और जवानों ने फिर इसे डिफ्यूज किया। शेख इमरान संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शेख इमरान, ये वाकई में तारीफ करने वाली बात, जवानों की नजर समय रहते ही इस IED पे पड़ गई, वरना बहुत नुकसान हो सकता था। लेकिन जंगल के बारे में भी बताइए कि आखिर नक्सली यहाँ पर साजिश क्यों रच रहे थे। देखिए, ये जो जंगल है गरियाबंद के जिले के आखिरी छोर पर है, उड़ीसा पर लगा हुआ सीमा है, ये गरीबा का ये जंगल है जहां पुलिस बल सर्चिंग पर निकली हुई थी, लेकिन नक्सलियों ने एक बड़ा तैयारी वहां पर किया था जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए। IED बम वहां पर प्लांट किए थे, लेकिन जवान जब वहां पर पहुंचे तो उन्हें ये पता चला कि वहां पर नक्सली गतिविधि है, नक्सली का एक डेरा वहां पर मौजूद है। और जब सर्चिंग के लिए तेज की गई तब जवानों को आगे बढ़ते देख तमाम वहां पर नक्सली जो है सभी सामान छोड़कर वहां से भाग निकले और सर्चिंग में IED बम वहां पर मिला है जिसे एक्टिव था उसे वहां पर नष्ट किया गया है। और एक बड़ी कार्रवाई से कह सकते हैं जवानों ने फिर एक बार नक्सलियों को खदेड़ा है। और नक्सलियों ने किस तरह यहाँ पर प्लानिंग किया था कि अगर जवान वहां पर पहुंचते तो एक बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन जवानों के सूझबूझ से एक बड़ी कामयाबी जवानों को मिली है और कहीं ना कहीं नक्सलियों को भगा वहां से खदेड़ने में कामयाबी उन्हें मिली है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए शेख इमरान। बीजापुर के भैरमगढ़ इलाके में नक्सलियों ने पोस्टर लगाकर 10 DRG जवानों की हिटलिस्ट जो है जारी की है। ये पोस्टर यहां आंगनवाड़ी केंद्र और सहकारी दुकान पर लगाए गए हैं। जवानों पर ग्रामीणों की पिटाई के आरोप है और साथ ही पोस्टर में कांग्रेस बीजेपी नेताओं को मार भगाने का भी जिक्र किया गया है। ये पोस्टर इलाके में पेड़ पर चिपकाए गए हैं, साथ ही पुल पुलिया और सड़क निर्माण से मजदूरों और ग्रामीणों को दूर रहने की धमकी भी दी गई है। तो ये तस्वीर, ये पोस्टर आप देखिए जो नक्सलियों की तरफ से लगाए गए हैं, उनके मंसूबे साफ पता चलते हैं कि वो चाहते क्या हैं और किस तरीके से भ्रमित वो कर रहे हैं लोगों को। जवानों के एक्शन से अब बौखला गए हैं नक्सली, जिसके बाद उन्होंने 10 DRG जवानों की हिटलिस्ट जारी की है। और अब खबर दंतेवाड़ा से, जहां सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर एक महिला नक्सली ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया और समाज की मुख्यधारा में लौट आई है। इस महिला नक्सली ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। महिला नक्सली कटे कल्याण क्षेत्र में सक्रिय थी। अब तक 180 इनामी सहित 802 नक्सली पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण कर चुके हैं। और अब खबर बलरामपुर से है, जहां 80 परिवारों ने हिंदू धर्म में प्रवेश कर लिया है, घर वापसी की है। आचार्य सतानंद महाराज की अगुवाई में यहां पर अभियान चलाया जा रहा है। महाराज ने कहा कि आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। और अभी तक हमारे मंच पर, वनवासी राम कथा के मंच पर, लगभग दूसरे दिन तो 7 लोग थे, तीसरे दिन फिर भी कुछ लोग थे, और अभी कल तक लगभग 80 परिवार की घर वापसी हो चुकी है। जो पूर्व में ईसाई बन गए थे, अब वो पुनः अपने जो है पुरातन जो सनातन संस्कृति, जो उनकी परंपरा थी, उसमें वापस लौटे हैं, स्वेच्छा से लौटे हैं। कोई दबाव नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था, कोई लोभ नहीं था, स्वेच्छा से आए हैं।
ओडिशा में प्रचार से रायपुर लौटे सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस के बीजेपी और बीजेडी को मौसेरा भाई बताने पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बयान का कोई अर्थ ही नहीं है। वहीं खनिज विभाग की ऑनलाइन प्रक्रिया को लेकर कहा इससे भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अच्छा वातावरण है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और इस बार निश्चित रूप से वहाँ प्रदेश की सरकार बदल रही है, वहाँ की जनता परिवर्तन चाह रही है और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बहुत फायदा होगा, कोई भ्रष्टाचार की गुंजाइश उसमें नहीं रहेगी ऑनलाइन होने से। अब कांग्रेस के बयान का अब कोई अर्थ नहीं है, कोई वजन नहीं है। कांग्रेस पूरे देश में जनता का विश्वास खो चुकी है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने पोस्टर जारी कर विपक्षी नेताओं पर तंज कसा है। ये पोस्टर सांप सीढ़ी के खेल की तर्ज पर जारी किया गया, जिसमें कि लिखा हुआ है सांपों से बचे, विकसित भारत की सीढ़ी को चुने। इस पोस्टर के जरिए बीजेपी ने केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर तंज कसा है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं उस पोस्ट की दिखा रही है जिसे बीजेपी छत्तीसगढ़ की तरफ से जारी किया गया है और विपक्षी गठबंधन पर तंज कसा गया, जिसमें कि ये लिखा गया कि इन तमाम चेहरों पर भरोसा ना करें बल्कि विकसित भारत पर भरोसा करें और इसकी सीढ़ी पर आगे बढ़ें। तो ये सांप सीढ़ी के तर्ज पर निशाना बीजेपी की तरफ से साधा गया। तो उधर बीजेपी के पोस्टर पर कांग्रेस ने निशाना साधा। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी की विदाई तय है, इसीलिए बौखलाहट में ऐसे पोस्टर जारी किए जा रहे हैं और विपक्ष की छवि खराब की जा रही है। सभा चुनाव के चार चरणों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने यह मान लिया है कि देश की से उसकी विदाई तय है, मोदी सरकार की वापसी संभव नहीं है, जनता उसके खिलाफ मतदान करेगी। अब भारतीय जनता पार्टी अनर्गल बयानबाजी पर उतर आई है, अस्तरहीन पोस्टर, अस्तरहीन क्रिएटिव बना के उनके नेता जारी कर रहे हैं, उनके संगठन के से ऐसे ऐसे पोस्ट जारी हो रहे हैं जो सभ्य समाज में अस्वीकार्य है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है और भारतीय जनता पार्टी का फासीवादी तानाशाही चरित्र है, जो जब हारने लगती है तो बौखलाहट में विपक्ष की छवि खराब करने की कोशिश करती है। तो बीजेपी नेता राधिका खेड़ा ने भूपेश बघेल पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि पीएससी फर्जीवाड़े और बेरोजगारी भत्ते पर आपने ठगा है। महिलाओं को 500 रुपए देने का वादा किया लेकिन नहीं दिया। आपकी पार्टी महिलाओं का कितना सम्मान करती है, मैं इसका उदाहरण हूँ। रायबरेली की जनता को बहकाने की कोशिश न करें कक्का। तो राधिका खेड़ा पर पूर्व विधायक शैलेश पांडे ने पलटवार किया। उन्होंने कहा राधिका खेड़ा नहीं, उनका और बीजेपी का अहंकार बोल रहा है। देश प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जनता इस अहंकार को तोड़ेगी। ये राधिका खेड़ा नहीं बोल रही है, ये भारतीय जनता पार्टी का अहंकार बोल रहा है और इस अहंकार को देश की, प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, उत्तर प्रदेश की जनता जो है, इस अहंकार को, जो भाजपा का अहंकार है राधिका खेड़ा के मुंह से जो निकल रहा है, ये अहंकार देखिएगा, ये अहंकार टूटेगा एक दिन। तो वही बिलासपुर में 8 से 10 बदमाशों ने छात्र को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। ये वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला सरकंडा थाना इलाके का बताया जा रहा है। छात्र को बदमाशों ने पत्थर और बेल्ट से पीटा। सरकंडा के गीतांजलि सिटी में रहने छात्र मंगलवार की रात दोस्तों के साथ सब स्टेशन के पास खड़ा था। इसी दौरान मोहल्ले के युवक आपस में मारपीट कर रहे थे। इसकी आवाज छात्र और उसके दोस्तों तक आ रही थी, इसे अनसुना कर वे वहीं पर खड़े रहे। इसी दौरान मारपीट से घायल एक युवक अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आया और फिर देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने दिखाई दे रहा है। उसने भाग रहे युवक के बारे में जानकारी भी मांगी, मना करने पर बेल्ट, रॉड और लाठी से, पत्थर से पीटते हुए यहां कुछ लोग नजर आए।
और अब बात करेंगे एसीबी रेड की, जहां बिलासपुर के तहसील कार्यालय में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम पहुंची और 1,00,000 की घूस लेते आरआई संतोष देवांगन को गिरफ्तार किया। इस पर जमीन के सीमांकन के लिए रिश्वत मांगने का आरोप है। वहीं कोंडागांव में एसीबी की टीम ने कार्यपालन अभियंता के घर पर भी छापेमारी की। टीआर मेश्राम पर बिल पास करने के एवज में ठेकेदार से घूस मांगने का आरोप है। तो ये आप देख रहे हैं एसीबी की कार्रवाई, दो तस्वीरों के जरिए बिलासपुर और कोंडागांव दोनों ही मामलों में। जब जनता को लोग परेशान करते हैं तो ऐसा लगता है अधिकारियों को कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन सूचना मिल जाती है कहीं सर्वे भ्रष्टाचार हो, चाहे घूसखोरी का मामला हो, इस मामले में कार्रवाई की गई है।